आवर चैनल। मैं तो जग चुकी हूँ बट स्पर्श अभी भी सो रहा है। रात को वो सोना नहीं चाहता, सुबह उठना नहीं चाहता। लुक एट हिम, मैंने फैन बंद कर दिया जस्ट लाइक एनी इंडियन मॉम टू टॉर्चर हर बेबी। एंड लुक एट हिज फेस, स्पर्श स्पर्श बेबी उठ जाओ, गेट अप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गया है। इतना रात को इसको एसी चाहिए होता है कुटुस को, एसी एंड फैन दोनों, जिसकी वजह से हम लोग इतना मोटा कंफर्टर ओढ़ रहे हैं। स्पर्श अराउंड 9 AM अपनी पहली फीड लेता है और इस फीड में मैं उसे देती हूँ एप्टा मिल्क का स्टेज 2 फॉर्मूला मिल्क। अभी वो 9.5 months का है तो मैं उसे अराउंड 180 to 200 ml ऑफ मिल्क प्रोवाइड करती हूँ। इंडिया आके मुझे इतना आराम मिल रहा है, आई कांट टेल यू। एक्चुअली स्पर्श के ग्रैंड पेरेंट्स हैं यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही लोग इसका ख्याल रख रहे हैं। लाइक अभी इसका मसाज भी इसकी परदादी ने किया है, सो इट्स अ रिलीफ। और इसको भी बहुत मजा आ रहा है, ही लव्स टू स्पेंड टाइम विद देम, सो या इट्स अ ग्रेट डील फॉर बोथ ऑफ अस। तुम्हारे मुंह में दुदू लगा है, लेट मी क्लीन, लेट मी वाइप इट ऑफ। आहा, इसने अपनी फीड फिनिश कर ली है और ये बस खेलना चाहता है अभी, अपने पापा के साथ बाहर जाना चाहता है। उसके पापा खड़े हैं वहाँ पे, तो इवन ही वॉन्ट्स टू गो। जिद्दी सिर्फ बाहर जाने के लिए। स्पर्श अभी भी सो रहा है और जब वो सो रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी सारे अपने काम निपटा लिए। एक्चुअली जब भी एक नई जगह होती है और सेटअप आपका नहीं होता है, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट कैन रिलेट, इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट एट द बिगिनिंग, बट धीरे धीरे यू गेट द हैंग ऑफ इट। सो मैंने अभी सारा कपड़ा अपना ऑर्गेनाइज़ किया, स्पर्श के कपड़े, उसके पापा के कपड़े सब ऑर्गेनाइज़ किया मैंने। एंड देन आई हैड टू वॉश देम ऑल्सो, कुछ कुछ कपड़ों को मैंने धोने के लिए भी डाला है वॉशिंग मशीन में। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। और बेबी अभी भी सो रहा है, यू कैन सी इसको जेट लैग हुआ है, जेट लैग इज़ रियल, बट आई नीड टू वेक हिम अप बिकॉज इट्स 1 PM एंड ही नीड्स टू टेक हिज लंच। लंच भी मैंने बनाया है, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पम्पकिन एंड कैरेट सूप विथ लिटिल बिट ऑफ राइस। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू वेक हिम अप बिकॉज आई नीड टू गिव हिम बाथ, बहुत टाइम हो गया है और ये सोए जा रहा है, सोए जा रहा है। इसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई है इंडिया आकर, बस इसे नींद आ रही है। लेट मी वेक हिम अप एंड देन आई विल मीट यू वाइल गिविंग हिम बाथ। I was trying to wake him up, but to my utter surprise, I was failing at every attempt. स्पर्श रियली एंजॉयज हिज शावर टाइम एंड ही लुक्स फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन। देयरफॉर आई ट्राई टू इंश्योर दैट आई गिव हिम अ प्लेजेंट बेदिंग एक्सपीरियंस बाय चूजिंग द बेस्ट शावर प्रोडक्ट्स। करेंटली आई एम यूजिंग मदर स्पर्शस सिंपली अनसेंटेड बेबी रेंज विच इज डिजाइंड विद अ फोकस ऑन सेफ एंड जेंटल केयर। टू गिव हिम हेड वॉश आई यूज मदर स्पर्शस अनसेंटेड बेबी शैम्पू। इट इज एक्सट्रीमली माइल्ड एंड जेंटल इन इट्स टेक्स्चर। द
दिस इज एनरिच्ड विथ नेचुरल ओट मील दस क्लिनजेस बेबीज स्कैल्प विदाउट स्ट्रिपिंग द स्कैल्प ऑफ इट्स नेचुरल ऑयल्स इट्स टीयर फ्री फॉर्मूला डज नॉट इरिटेट बेबीज आईज इवन इफ इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद देम मेकिंग बर्थ टाइम ईजियर फॉर बोथ द पेरेंट्स एंड बेबीज दिस शैम्पू इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल इन्ग्रीडियंट्स लाइक पैराबेन्स सल्फेट्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स मेकिंग इट अ सेफ चॉइस फॉर बेबीज especially with sensitive skin, just like my Sparsh. To cleanse my baby's skin, I use Mother Sparsh's Baby Wash from the unscented range. Again, as this product is free from any kind of fragrance, it reduces the risk of skin irritation or allergic reactions. The Baby Wash is hypoallergenic, which means it is free from common allergens and harsh chemicals, ensuring it is gentle and perfect for baby's skin. The oatmeal in it helps to lock in moisture, preventing the skin from drying out while cleansing. This is important for maintaining the skin's natural moisture. Balance. Baby washes like unscented baby wash with natural oatmeal maintain a pH level of 5.5. And on top of that, you require just a little amount of these products which make them last longer. स्पर्श को नहलाने के बाद मैं अच्छे से उसके बॉडी को एक माइक्रोफाइबर टॉवल से पोंछ के ड्राई करती हूँ और उसके बाद मदर स्पर्श के बेबी लोशन से उसके पूरे बॉडी को मॉइस्चराइज करती हूँ सो दैट उसकी स्किन पूरे दिन के लिए नरिश्ड फील करे ओट मील में नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं विच कैन काम इरिटेटेड स्किन द लाइट वेट फॉर्मूला ऑफ दिस लोशन गेट्स एब्जॉर्ब्ड इजिली इन टू द स्किन लीविंग द स्किन फीलिंग स्मूथ विदाउट अ ग्रीसी residue which is ideal for the babies. This part of the day is the most favorite part of our daily routine as it gives us an opportunity to bond really close and strengthens our bond. क्यूट लग रहा है इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है एंड नाउ आई एम गोना फीड हिम इसकी भूख प्यास तो पूरी खत्म हो चुकी है जब से ये इंडिया आया है बट अगेन मी बीइंग अ मदर आई हैव टू फीड हिम सो इन टुडेज लंच वी हैव पम्पकिन कैरेट सूप विथ लिटिल बिट ऑफ राइस सो आई एम गोना ऑफर हिम दैट और मैंने टेक्सचर भी चेंज कर दिया है एकदम लिक्विडी अब नहीं रहता है इसके खाने का टेक्सचर इट्स लिटिल थिकर सो या Let me feed him. मुंह मुड़ा के पीछे बैठने से क्या होगा मम्मा फिर भी खाना खिलाएगी आपको यम्मी नहीं नहीं मैं भागने तो नहीं दूंगी आपको यू हैव टू फिनिश योर फूड फर्स्ट फिर भागना पक्का फिर मम्मा घुमाने लेके जाएगी शॉपिंग करना है ना दिवाली का अभी हम लोग अपेरेंटली थोड़े देर बाद दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे आज धनतेरस है तो दैट्स द प्लान है ना हमारा प्लान है ना हाँ हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे हम दोनों सो गए थे दोपहर में और हमने आराम से 2-3 घंटे की नैप ली है ऐसा लग रहा था कि कितना थक चुके हैं हम दोनों जेट लैग हो गया है आई थिंक तो अभी भी आई थिंक ही इज़ लिटिल स्लीपी क्योंकि अभी जगे हुए 1-1.5 घंटा हो गया
एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द लोकल मार्केट. बहुत कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग धनतेरस, आज है या कल है, अब जिस दिन भी है, तो हम लोग जा रहे हैं बस लोकल मार्केट में और देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिलता है तो वी विल बाय. बहुत बड़ा है ये, ठीक है, ये साइज ठीक है ना, ये साइज ठीक है. मैं आजकल दूध पी के दूध मिलने वाला नहीं. वी आर बैक फ्रॉम आवर दिवाली शॉपिंग और धनतेरस की इतनी भीड़ थी हमारे इस लोकल मार्केट में. हमारे घर के नीचे ही बहुत बड़ी मार्केट है तो मैंने तो आके भैया जल्दी से अपना हैंड और लेग वॉश कर लिया और अब बारी है स्पर्श को फ्रेशन अप करने की. स्पर्श बेचारा सो गया था आधे रास्ते में. सो टू क्लीन माई स्पर्श आई एम एक्चुअली यूजिंग मदर स्पर्श का प्योर वाटर वाला वेट वाइप्स. एज यू ऑल नो कि इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, बहुत सेंसिटिव है, तो मैं ऐसी भी कोई भी रैंडम चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ. आई ऑलवेज इंश्योर दैट आई चूज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट. सो आई यूज़ मदर स्पर्श का वेट वाइप्स. इस वाइप्स में एक्चुअली एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई एक्सट्रैक्ट है, जिससे कि ये बेबीज के स्किन के लिए काफ़ी स्मूथ है. आपके बेबी को ये बहुत हाइड्रेटेड रखेगा और मॉइस्चराइज रखेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप इसको डाइपर चेंज करने के टाइम भी यूज करोगे तो आपके बेबी को ये रैश फ्री रखेगा. दीज वेट वाइप्स आर अल्ट्रा जेंटल ऑन बेबीज स्किन एज द वाटर कंटेन इज 99% व्हिच इज रियली हाई. एक अगरबत्ती का स्टैंड है, ये मैंने एक लिया है फॉर धनतेरस. बहुत सारी शॉपिंग हो गई और इसमें हम लोग दिया दिखाएंगे, दिया. और इसमें एक कपूरदानी भी है जिसमें कुछ उस पूजा करेगा. कर दो कर दो कर दो कर दो. ओह नो 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 नो, लीव इट. ठीक है, अभी आपके लिए ये देखो क्या आया है. ये देखो क्या है, ये कैसे चलेगा. Wow, you have got a personal dog. चलो 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 वॉक पे लेके जाओ, जाओ अपने डॉगी को आप वॉक पे लेके जाओ. खाना मत, डॉगी को खाना नहीं है, घुमाना है. वेल ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू कॉल इट अ डे. इट वॉज अ लॉट ऑफ फन टूडे, हमने बहुत मस्ती की. और प्लीज डोंट चू दिस, इसकी इतनी गंदी हरकत है ना, सब चीजें अपने मुंह में डालता है. सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू कॉल इट अ डे. आज का दिन बहुत ही हैपनिंग था, हमने बहुत मस्ती की और अब हम बहुत थक चुके हैं. फिलहाल स्पर्श अपना खाना खाएगा. डिनर में आज है राइस बेस्ड सीरियल, तो वो खाएगा और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर खेलेंगे एंड देन वी ऑल विल गो टू स्लीप. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग यू नो वॉट टू डू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Thank you.